दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में सीरियल के सेकंड सीजन्स की भरमार देखने को मिल रही है और उनमें से एक है सीरियल ब्रह्म राक्षस 2, जिसका फर्स्ट एपिसोड प्रसारित किया जा चुका है। इस सीरियल की कहानी के साथ साथ ही अभिनेता पल्लवी पुरी के अंगद मेहरा के किरदार को भी दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है और इसी के चलते पल्लवी पुरी एक बार फिर से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब हो रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शो में मुख्य अभिनेता के तौर पर अंगद मेहरा के किरदार के लिए पल्लवी पुरी से पहले इस प्यार को क्या नाम दो फेम एक्टर वरुण सोबती को कास्ट किया गया था, लेकिन किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया और पल्लवी पुरी इस सीरियल में मुख्य अभिनेता के तौर पर नजर आ रही हैं। तो क्या वरुण सोबती ने खुद इस ऑफर को ठुकराया था या फिर रीजन कुछ और ही था, आइए जल्दी से जानते हैं। लेकिन भाई, इससे पहले ब्रह्म राक्षस 2 के लिए एक लाइक तो बनता है। साल 2016 में टीवी पर प्रसारित हुआ मोस्ट पॉपुलर शो ब्रह्म राक्षस का 22 नवंबर 2020 को सेकेंड पार्ट भी टीवी पर प्रसारित किया जा चुका है। सीरियल की कहानी को भी पहले की कहानी के आगे की कड़ी के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसमें मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनेता पल्लवी पुरी अंगद मेहरा के किरदार में दिख रहे हैं और इनके ऑपोजिट निक्की शर्मा कालिंदी का मुख्य किरदार निभा रही हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरियल में अंगद मेहरा का किरदार निभाकर दर्शकों से खूब वाहवाही लूट रहे अभिनेता पल्लवी पुरी सीरियल की पहली पसंद नहीं थे। शोमेकर एकता कपूर ने अंगद मेहरा के मुख्य किरदार के लिए इस प्यार को क्या नाम दो में अर्णव सिंह रायजादा की भूमिका निभाकर मशहूर हुए अभिनेता वरुण सोबती को कास्ट किया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इस भूमिका को निभाने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसके पीछे की वजह वेब सीरीज असुर थी। जी हाँ, इस बात से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे दोस्तों कि कुछ समय पहले ही वरुण सोबती ने वेब सीरीज असुर में मुख्य अभिनेता के तौर पर निखिल नायक की भूमिका निभाकर दर्शकों से खूब तारीफें भी बटोरी थी। और जब वरुण सोबती को असुर का प्रोजेक्ट ऑफर किया गया था, बस उसी वक्त इन्हें एकता कपूर की तरफ से ब्रह्म राक्षस 2 के लिए भी अप्रोच किया गया था और एक ही साथ दो जबरदस्त प्रोजेक्ट ने वरुण सोबती को कन्फ्यूज कर दिया था। लेकिन उन्होंने इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए ब्रह्म राक्षस 2 का ऑफर ठुकरा दिया और वेब सीरीज असुर को साइन कर लिया। इसके पीछे भी एक वजह थी। दरअसल अभिनेता वरुण सोबती टीवी में तो छाए हुए हैं ही, लेकिन अब वो अपने एक्टिंग करियर में कुछ नया करना चाहते थे, जिसमें उन्हें अपनी हर एक काबिलियत को पेश करने का मौका मिले, और इसीलिए इन्हें असुर वेब सीरीज के आगे कुछ भी नहीं सूझा और इन्होंने एक ही पल में ब्रह्म राक्षस 2 के ऑफर को ठुकराते हुए असुर वेब सीरीज को साइन कर लिया। वरुण सोबती के इसी रिजेक्शन के बाद एकता कपूर ने अंगद मेहरा के किरदार के लिए पल्लवी पुरी को कास्ट कर लिया, जो इस किरदार में एकदम परफेक्ट साबित हुए और इनके इस किरदार को देश भर के दर्शकों से जमकर तारीफें और वाहवाही भी मिल रही है। तो दोस्तों, आपको ब्रह्म राक्षस 2 में पल्लवी पुरी का किरदार आखिरकार कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग खबरों को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।